हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राधे श्याम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफिशियल डे नंबर 2 के बारे में। अभी अभी प्रोड्यूसर्स ने एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें जो ग्रॉस है 2 दिन का वो निकल के आया है 119 करोड़। यस, दिस इज ह्यूज, बहुत बड़ा नंबर है ये 2 दिन के लिए, और फास्टेस्ट फिल्म बन गया 100 करोड़ ग्रॉस करने के लिए। 2 डेढ़ दिन से कम में ही शायद इसने 100 करोड़ पार कर लिए थे। सो इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, हम फिर से बोलेंगे कंसिडरिंग द जॉनर एंड ऑल, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है एक रोमांटिक लव स्टोरी को इतना ज़्यादा कलेक्शंस करना, काफ़ी एक अप्रिशिएटिंग बात है, स्पेशली तब जब आपका हिंदी बेल्ट जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था उसमें, बहुत एक हाई होप्स के साथ देखा जा रहा था उसको, वो एकदम कम्प्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा है हिंदी बेल्ट का। बहुत लोग कल पूछ भी रहे थे ऑफिशियल फिगर क्या है, ऑफिशियल फिगर अनफॉर्चुनेटली मेकर्स ने निकाला ही नहीं, इसलिए हम फिर उस पर वीडियो बनाए नहीं और आज भी नहीं निकाले और निकालने भी नहीं वाले हमको लगता है। पता नहीं क्यों ऐसे निकालना तो चाहिए, लेकिन जो एस्टिमेट है वही 4.5 करोड़ के आसपास पहले दिन कमाया, दूसरे दिन को ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं 5 करोड़ के आसपास। तो 2 दिन का जो टोटल निकल के आया है वो लगभग 10 करोड़ के अंदर ही है हमको लगता है हिंदी का, तो जिसका ग्रॉस बनता है 12 करोड़ के आसपास। तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं हुआ है। हाँ, दूसरे दिन तो गिरती ही है सारी फिल्में वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो, और फिर भी 40 करोड़ लगभग कमाया है अपने दूसरे दिन ग्रॉस किया। सो दिस इज गुड साइंस। और ऐसे देखो क्या है कि जब इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाई जाती हैं या फिर कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया जाता है तो हम हमेशा से बोलते हैं कि वी शुड अप्रिशिएट इट, एटलीस्ट ट्राइंग के लिए नंबर जो है वो दिए जाना चाहिए। और राधे श्याम को जितना भी नेगेटिविटी और ये सब बैकलैश और ये जो भी हो रहा है उसके बाद बावजूद इट इज स्टैंडिंग वेरी वेरी टॉल, 119 करोड़ इन 2 डेज, 3 दिन में आराम से ये 150 करोड़ ग्रॉस करता हुआ दिखता है। हाँ, लेकिन इसका बजट इतना ज़्यादा है कि शायद इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हिंदी में तो बताने का जरूरत नहीं है कि किस तरफ जा रहा है ये, लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी भी उम्मीद है, देखते हैं किस तरह का होल्ड बना के रखता है। मंडे सबसे क्रूशल होगा, आज तो फिर भी चलो संडे है, लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा मंडे टेस्ट में, ये किस तरह का परफॉर्म करता है, किस तरह का होल्ड लेता है, वो इसका फ्यूचर एक तरह से डिसाइड करेगा कि क्या होता है। और देखो प्रभास को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए थोड़ा सा नंबर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से मानते हैं, शाहरुख खान को भी सबको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लॉप जा रही है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है जो भी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा ट्राई करता है। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है, शाहरुख खान, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, स्टिल ही ट्राइज टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, टू ऑफर समथिंग न्यू टू इंडियन सिनेमा, चाहे वो रावण के साथ हो, फैन के साथ हो, जीरो के साथ हो, कुछ ना कुछ अलग हटके देखने का कोशिश हमेशा ऑडियंस को रहा है, जो कि बहुत कम लोग में उतना गट्स होता है कि वो लोग ट्राई कर पाते हैं। एंड प्रभास इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। फिर से अभी जो कॉमेडी जॉनर में आ रहा है उनका मारुति के साथ फिल्म, वो भी एक तरह से एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि बहुत ईजी है, हम आपको बताया भी देखा, बहुत ईजी होता है कि मासेस फिल्में करना और कलेक्शन छापना, जो कि इजी वे है, कंफर्ट जोन है, और पब्लिक को वही देखना आजकल पसंद है। रोमांटिक और ये सब का जॉनर अब समय नहीं रहा है अपना, उतना ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, बट स्टिल ही इज ट्राइंग। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो बताना आप कमेंट सेक्शन में जरूर। 2 डेज राधे श्याम स्टैंड स्टॉल ऑन 119 करोड़, अब आगे देखते हैं इसका जर्नी किस तरह का रहता है। सो आपके इसके बारे में जो भी ख्याल है बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कुछ बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।